कानपुर में कोविड टीकाकरण को गति देने में जुटा जिला प्रशासन। कानपुर के ग्रीक पार्क स्टेडियम में आज से शुरू हुआ वैक्सीनेशन कैंप। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन कैंप सुबह 10:30 बजे होगा शुरू। 18 से 44 आयु वर्ग के 6 सेक्शन और 45 से अधिक आयु वर्ग का 1 सेक्शन चलाया गया। प्रत्येक सेक्शन में 200 लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। करीब 1400 लोगों को आज ग्रीक पार्क स्टेडियम में लगेगी वैक्सीन। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया सेल्फी पॉइंट। वेटिंग एरिया कैंप में बड़ी संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, वॉलंटियर डॉक्टर कर्मचारी रहेंगे मौजूद। देखिए, किसी भी तरह के वायरस से ये सिद्ध है कि वैक्सीन ही सबसे सुरक्षित और लंबे समय तक काम करने वाला उपाय है, सुरक्षा कवच है। इस दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हों, वैक्सीनेशन जब उनका स्लॉट, उनका नंबर आए, रजिस्ट्रेशन आए, अपने स्थान पर जाकर वैक्सीन लगवाएं। इसको प्रोत्साहन को लेकर और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर भरोसा वैक्सीनेशन को लेकर बढ़े, तो आज ये मैं कहूँगी कि बड़ा सराहनीय प्रयास कानपुर प्रशासन का है। कानपुर में मुख्य विकास अधिकारी जो हैं वो वैक्सीनेशन के प्रभारी हैं और उनकी पहल पर ये एक अभिनव, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ये ग्रीन पार्क स्टेडियम, तो कानपुर के लिए मैं समझूंगी एक ये बहुत बड़ा वैक्सीनेशन की दिशा में बूस्टर प्रयोग है। आप सबके माध्यम से निवेदन भी इस अवसर पर करना चाहूँगी। आज बुद्ध पूर्णिमा का पुनीत पावन दिवस है और आज के दिन, आज इस वैश्विक आपदा के समय, ये जो सुरक्षा कवच भारत की धरती से सबसे गुणवत्ता पूर्ण वैक्सीन निकल कर के आई है और जिस प्रकार के संकेत आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रेरणादायी व्यक्तित्व है और 80 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन्स उपलब्ध कराने की बात भारत के अंदर ही आई है, मैं समझती हूँ ये प्रोत्साहन आने वाले समय में विशेष रूप से कानपुर को वैक्सीनेशन की दिशा में एक बहुत बड़े स्थान पर लाकर खड़ा कर देगा। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है। 50 दिनों में हमने देखा कि कोरोना की दूसरी वेव ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, प्रकोप दिया, लेकिन तमाम ऐसे लोग रह गए जो अन्य डिजीजेज से ग्रस्त थे, उनका इलाज नहीं हो पाया। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार कुछ सोच रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी कैंसर की सर्जरी होनी थी, तमाम सर्जरी होनी थी जो पेंडिंग हो गई। देखिए, मैं यहाँ कानपुर में भी देख रही थी, उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी मैं देख रही थी कि जैसे ही थोड़ा मामला संभला था तो हमारी इमरजेंसीज के अंदर ओपीडी वो शुरू हो गई थी। कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोविड के अंदर लिए गए, कोविड हॉस्पिटल्स बने, लेकिन इसके साथ साथ कई सारे हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट थे वो नॉन कोविड रहे। तो ये निश्चित है कि ये आपदा थी, बहुत बड़ा संकट था, हम एक महामारी में थे, इसका प्रभाव निश्चित रूप से जो इससे प्रभावित नहीं थे उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। आने वाले समय में हम इस कमी को भी कैसे पूरा करेंगे, इस ओर प्रयास करेंगे। एक और सवाल आपसे कि कोरोना के बाद ब्लैक फंगस काफ़ी ज़्यादा प्रकोप में आ रहा है, कानपुर को भी अब सेंटर बना दिया गया है, लेकिन दवाइयों की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज देखी जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में क्या आगे करने जा रही है? देखिए, दिन प्रतिदिन हमारे जो दवाइयों के स्लॉट्स हैं, इंजेक्शंस के स्लॉट्स हैं, वो बढ़ रहे हैं। जैसे कल जितना आया उससे कम परसों था, आज जितना आने की संभावना है अगले 3 घंटे के अंदर वो कल से ज़्यादा है, और आने वाले 5 से 6 दिनों के अंदर हम इसको समझ रहे हैं कि जितनी हमारी डिमांड है उसके अनुरूप हम वैक्सीन्स हमारे इस कानपुर के अंदर उपलब्ध कर पाएंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।